नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की जो आरएएस की सीरीज़ अपन स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अपन सब्जेक्ट ले रहे हैं जो आरएएस मेंस के फर्स्ट पेपर की थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट क्या मतलब, जो फर्स्ट यूनिट में हिस्ट्री है, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है वो अपन ले रहे हैं। पुनर्जागरण के बारे में अपन देखा है कि पुनर्जागरण का किस प्रकार से विकास हुआ, पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, काल क्या रहा, पुनर्जागरण आने के कारण क्या रहे। फिर अपन एक सिक्वेंस देखा था कि पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति किन किन रूपों में। तो अपना ये टॉपिक है पुनर्जागरण का विज्ञान के क्षेत्र में प्रभाव। विज्ञान के क्षेत्र में देखिए, अब तार्किक रूप से सोचने समझने की शक्ति आ गई थी। तर्क और वाद विवाद के आधार पर ही चीज़ों को माना जा रहा था, बातों को माना जा रहा था। जो बाइबल में लिखा हुआ था या जो चर्च के पॉप कह रहे थे या चर्च में चर्च के द्वारा जो शासन किया जा रहा था, उन बातों को भी, उन परंपराओं को भी अब तर्क की कसौटी पर परखा जाने लगा। जब तर्क हुआ, वाद विवाद होने लगा, तो बौद्धिक विकास ने जन्म लिया और इससे वैज्ञानिकवाद को प्रोत्साहन मिला, जिसे तर्कवाद की स्थापना हुई। तर्कवाद मतलब जो तर्क के आधार पर किसी सिद्धांत का निरूपण करता है वह तर्कवाद कहलाता है। अब विज्ञान के क्षेत्र में इस काल में क्या क्या प्रमुख वैज्ञानिक विचारधाराओं का विकास हुआ, तो जैसा कि चर्च का ये मानना था, टॉलमी ने सिद्धांत दिया था, भूकेंद्रित सिद्धांत दिया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में धरती है। भू यानी धरती ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, लेकिन इसे कोपरनिकस ने कालांतर में नकारा और ये कहा कि पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। यानी भूकेंद्रित सिद्धांत की जगह पे सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आप लोगों को पता हो तो कोपरनिकस को चर्च ने जला दिया था, हत्या कर दी थी ये कहा जा सकता है इस सिद्धांत के कारण, क्योंकि उसने चर्च की अवहेलना की थी। लेकिन कालांतर में जर्मनी के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री केपलर गणितीय प्रमाणों से ये पुष्टि कर दी कि कोपरनिकस ने जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था वो बिल्कुल सही है। वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी। फिर इटालियन वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार करके ग्रहों की गति के आधार पर कोपरनिकस के सिद्धांत को स्वीकार किया। ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया और ये सिद्ध किया कि समस्त ग्रह आपस में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़े हुए हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने चुंबक की खोज की और हॉलैंड निवासी जॉनसन ने माइक्रोस्कोप बनाया। क्वेश्चन साइंस के हैं, आ कहाँ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। अब आप देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक तो बड़ा क्वेश्चन तो ये बनेगा तो कि विज्ञान का या पुनर्जागरण का विज्ञान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। बड़ा क्वेश्चन तो ये आ सकता है। 50 नंबर के क्वेश्चन में, 50 शब्दों का जो क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर वाले जो आते हैं उनमें ये कहा जा सकता है कोपरनिकस का सूर्य केंद्रित सिद्धांत को समझाइए। तो अपन को ये सूर्य केंद्रित सिद्धांत टॉलमी केपलर गैलीलियो यहाँ तक अपने को लिखना पड़ेगा। न्यूटन को भी अपन डाल सकते हैं, यहाँ तक की थ्योरी अपने को लिखनी पड़ेगी। बाकी 20 वर्ड्स में ये डायरेक्ट गैलीलियो से भी देकर के पूछा जा सकता है, कोपरनिकस के नाम से पूछा जा सकता है। तो वो क्वेश्चंस क्या होंगे, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें पुनर्जागरण के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास में हैं, जो भी सेट है मेरे पास में, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। नेक्स्ट आइए चिकित्सा विज्ञान में। इंग्लैंड के विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत दिया और नीदरलैंड के वैज्ञानिक बेसिलियस ने अपनी औषधि एवं शल्य प्रणाली का अध्ययन किया। शल्य प्रणाली किसे कहा जाता है, सर्जरी को। अब आता है पुनर्जागरण का स्थापत्य और मूर्तिकला के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। देखिए मध्ययुग की स्थापत्य कला को गोथिक शैली कहा जाता था। गोथिक शैली मध्ययुग की स्थापत्य कला को, मेहराबों का इनको दौर था ये, जबकि पुनर्जागरणकालीन कला को ग्रीक रोमन शैली कहा जाता है। ग्रीक रोमन शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। यूनानी अरबी शैलियों का समन्वय है ये, यूनानी और अरबी जो स्थापत्य कला है उनकी शैलियों का समन्वय है। गोल मेहराबों का प्रयोग किया गया है इनमें, ठीक है। साज सज्जा श्रृंगार डिजाइन पर ज़्यादा बल दिया गया है, दिखावटीपन बाहर सुंदर दिखाने की कोशिश की गई है। लकड़ी का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। परंपरागत पद्धति पर आधारित खिड़की दरवाज़ा आदि का निर्माण हुआ है। परंपरागत पद्धति के आधार पर खिड़कियाँ बनी हुई है, दरवाजे भी जो ट्रेडिशनल चले आ रहे थे वैसे ही दरवाजे हैं।
नुकीले मेहराबों के स्थान पर गोल मेहराब, जो मेहराब होते थे ऊपर जो, तो वो गोल होते थे और उसके पहले नुकीले होते थे, तो नुकीले मेहराब की जगह पे गोल मेहराबों का निर्माण हुआ। इस शैली में मेहराब, गुंबद, स्तंभों के निर्माण पर अत्यधिक बल दिया गया। ये पुनर्जागरण काल है। पुनर्जागरण काल में जैसे जैसे टाइम मिलेगा और जैसे जैसे वीडियो, तो एक तो जो ये लोग हैं, कोपरनिकस मान लो या गैलीलियो मान लो, इतिहास साहित्य की बात करें तो शेक्सपियर मान लो, इनके बारे में एक एक वीडियो पर्टिकुलर बने, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन उसको करने की स्थिति में रहें, क्योंकि जिनका नाम अपन ने सुन रखा है उनके क्वेश्चंस मेंस में आने के चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चंस का सेट है, मैंने बताया आपको पहले भी, जो क्वेश्चंस मेरे पास में अवेलेबल हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे क्वेश्चंस डालता हूँ, फिर अपन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। थैंक्स।